चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्वमचर्मणो मम गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहोड मणमो सुध केवली वणेदम। फेरफार करे सो कथा, यह ज्ञानी की लिखा है। वो मानता है कि पर पदार्थ के काम जो होते हैं ना, जैसे कि मैं गाड़ी जला रहा हूँ, मैं रोटी बना रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ये पर पदार्थ के काम मैं कर रहा हूँ, ऐसा मानता है ज्ञानी। ये बड़ा मिथ्यात्व। दूसरा पॉइंट है, यह परिणमति सह करता, माने जो परिणमता वह करता है। जैसे कि घड़ा मिट्टी को कर, घड़ा मिट्टी घड़े का कर्ता होता है, और इसलिए मिट्टी घड़े का कर्ता होता है। तीसरा पॉइंट, स्वामित्व अपेक्षा करता, यानी मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि मुनीम होता है, वो पूरा दुकान का काम करता है, पर मुनाफे और फायदा का काम वो नहीं करता, वो उसका कर्ता होता है। पर जो सेठ होता है, वो आराम से एयर कंडीशन में बैठा रहता है, पर फिर भी मुनीम दुकान का काम वो ही करता है, और उसका कर्ता वो होता है, इसलिए वो उसका कर्ता है, और वो उसकी दुकान का कर्ता वो है उसका, इसलिए वो उसका ओनर है, उसका स्वामी है दुकान का। बाहर देखा तो अफरा तफरी, अंदर में झांका तो आनंद की नगरी है। पांचों परमागम में जो बातें गहरी हैं, इसकी ना उसकी इमारतें बस मेरी हैं। मैं अनंत गुणों से रहित ध्रुव धाम हूँ, समता की खान हूँ, अनंत गुणवान हूँ, जिन वाणी बोलती है मैं भी समझदार हूँ। बाहर देखा उद्गल की चीजें देखी तो अफरा तफरी है, बहुत दुख होता है सब कुछ। अंदर में झांका, आत्मा में झांका तो आनंद ही नगरी है। पांचों परमागम में बातें जो गहरी है, इसकी ना उसकी ये बातें बस मेरी है। गुड गुड, बहुत सुंदर। प्रश्न करो। आशीर्वाद आज का जो सुगुरु और कुगुरु में क्या अंतर है? कि कुगुरु का तो आशीर्वाद ये होता है कि तुम खुश रहो, तुम्हारे बच्चे हो, पत्नी हो, मैं तुमको ये बता देता हूँ जिससे तुम सेफ रहो, इसका गुरु का आशीर्वाद है। और भगवान का आशीर्वाद ये होता है तुम ये सब ना करो, समय दृष्टि बनो, अनंत सुख पाओ। तो फिर जीव समझता है कि मैं मेरा सुख रोक रहे, तो फिर वो पूछता है कि हमारा सुख क्यों रोक रहे। अरे ये तो दुख है, क्योंकि ये तो जन्म मरण का पूरा एक भट्टी है जिसमें हम जल रहे हैं। आनंद की भट्टी नहीं है ये, तो बिल्कुल ही खराब है। हमको जो चार गति में भटकाता है, ये सब कर्म शत्रु के द्वारा हो रहा है। दूसरा प्रश्न, जैसे 17-18 गाथा में आया, कौन सा 17-18? धन का अर्थी जो राजा धनार्थी का, हाँ
धनार्थी जो होता है वो तो धन सोचता है कि क्या कर धन कहाँ देखूं, तो फिर कौन सी बेस्ट कंपनी है, तो फिर उसको वो जाता है राजा के पास, राजा तो फिर वो राजा की सेवा करता है, जितना सेवा करता है वो उसकी उतना वो धन दे देता है उसको और वो खुश हो जाता है। वैसे ही मोक्षार्थी जो होते हैं वो मोक्ष की इच्छा करते हैं, वो वाले मोक्ष वो होते मोक्षार्थी और वो सोचते कौन सी बेस्ट कंपनी है, तो फिर वो जाते हैं आत्मा के पास, उसकी सेवा करते हैं और वो तो आनंद दे देता है हमको, तो जितना उसका सेवा करोगे उतना आपको उसका आनंद मिलेगा। दूसरा प्रश्न जो दूसरा प्रश्न जो